नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आपका ऑन ए न्यू नेशन में। टिकैत के बारे में तमाम चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तेजी से। इसी बीच बड़ी खबर ये आई कि सिंघू बॉर्डर पे जाम लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ देश में माहौल गड़बड़ सा नजर आ रहा है और दिल्ली के लाल किले पे जो कांड हुआ उसके बाद और बवाल हुआ है, और हर जगह किसान बनाम सरकार आंदोलन का आह्वान किया जा रहा है। उधर जैन चौधरी की गाड़ियां जा रही हैं, आरएलडी नाम सुना होगा, पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। इन सब के बीच कुछ चंद लाइनें सोशल मीडिया पे हमें मिल गई, हम सोचे प्रस्तुत कर देते हैं। दरअसल ये लाइनें यूं ही नहीं आई, इनके पीछे कुछ सबूत थे, और सबसे बड़ी बात उस सबूत में सबसे आगे ये है कि आंदोलन जब हुआ 26 जनवरी को, उसमें भारी मात्रा में शराब की बोतलें और कई मादक पदार्थ मिले। तो ये लाइनें जो तेजी से वायरल होनी चाहिए थी और हो रही भी है, उन सब के बीच एक लेखक लिखता है कि टकीला विद टिकैत, वीर रस के गीतों के साथ सोम रस का आनंद लेने का अड्डा बन गया गाजीपुर बॉर्डर। शर्म शाम होते ही गाजीपुर बॉर्डर पर जाम छलकने लगता है। चखना रखा है प्लेट में, व्हिस्की ग्लास में, फुल इंजॉय चल रहा है आंदोलन के नाम पर। गाजीपुर बॉर्डर पर शाम होते ही भाड़े के क्रांतिकारियों की आंखें लाल बत्ती की तरह चमकने लगती हैं। तंबुओं में दारू का इंतजाम फुल रहता है, पीना खाना और मोदी को गरियाना पूरा का पूरा व्यवस्था है। आंदोलन का नाम पर चल रहा यही तीन चीज सत्य है, बाकी खेती किसानी तो बस मुखौटा है। खुमारी चढ़ते ही डीजे वाले बाबू भी साउंड बॉक्स पर देसी ठेठ संगीत बजाते हैं और मुफ्त में मदिरा के आनंद में झूमने लगते हैं। भाड़े के क्रांतिकारी डकैत बाबा के ने मस्त पार्टी जमा रखी है, कई चुनावों में जमानत जब्त करा चुके डकैत साहब अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों को जीतने में कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते हैं। खिला पिलाकर अपने वोटरों को टाइट रखने का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता, बाकी विदेश से लेकर देशी फंडिंग तो टाइट ही है। एक इलाका विशेष के लोगों की बड़ी संख्या बस मुफ्त में जाम छलकाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा है। खैर, यह शराब चीज ही ऐसी है, लेकिन मामला ऐसा है कि इन सब के बीच इसमें लिखा कि कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है वहां के सुख सुविधाओं को देखने की तो आप भी एक बार जाइए, दर्शन करिए, सब कुछ मिलेगा, व्यवस्था टाइट है। और अभी अभी सोशल मीडिया पे बाकायदे वीडियोज आ रहे हैं। वीडियोज किस चीज के लिए? जैन चौधरी की हजारों हजार में गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां गाजीपुर बॉर्डर में मिलने जा रही टिकैत साहब से। ये एक पार्टी के नेता हैं और पार्टी के तमाम नेताओं का जमावड़ा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है। विकल्प के तौर पे राकेश टिकैत ने संभाल लिया है मोर्चा, और अब राहुल गांधी को भी वही कैरियर समझ में आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी को कैरियर वहां समझ में आए क्यों नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को भी पता है कि अखिलेश यादव की साइकिल पे चढ़ के, पंचर साइकिल पे चढ़ के यात्रा पार नहीं किया जा सकता है, और 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें योगी आदित्यनाथ का मुकाबला देने के लिए कोई मजबूत कड़ी की आवश्यकता है। क्या राकेश टिकैत मजबूत कड़ी के रूप में उभर रहे हैं? दरअसल हां, आप सबको पता है कि जाटों के नेता राकेश टिकैत, जाटों की नेता मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब टिकैत साहब ने रोया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनके बिरादरी के लोगों को आह्वान भी किया। टिकैत साहब ने कहा मैं पानी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक गांवों से पानी नहीं आएगा, और पानी आया, खाप पंचायतें बैठी और सब कुछ व्यवस्था टाइट हो गया मामला। फिलहाल राजनीति करिए, राजनीति करने से कोई समस्या नहीं है, चुनाव में आना है चुनाव में आइए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश रहना चाहिए, और आपने देश को खतरे में डालने से कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। जिस दिन दिल्ली में जो तांडव हुआ, 350 पुलिसकर्मी घायल हुए, और बिना बताए सरकार को लगता था कि टिकैत साहब की बढ़िया रणनीति होगी और ये बढ़िया रैली निकाल के रहेंगे, हालांकि फिलहाल
पुलिस लगाई गई, पुलिस थी भी वहां पे 4-6 हजार पुलिस थी, जो भी व्यवस्था थी 10 हजार के आसपास, लेकिन टिकैत साहब की व्यवस्था 40-50 हजार भीड़ की थी, इससे कम भीड़ नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पे कांड हुए, लाल किले पे ताबड़तोड़ लाठियां चली, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, लाल किले के बाहर भी पुलिस वालों को दौड़ा के मारा गया, जहां पे 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहां पे खालसा पंथ का झंडा लहरा दिया गया। इन सब के बाद जब थूथू हुई पूरे देश में तो टिकैत साहब रोने लगे, बोले साजिश हो रही है, ये मोदी का किया धरा है। टिकैत साहब पूछता है, भारत देश ये पूछता है कि टिकैत साहब जब आपकी आंदोलन आपके बस में नहीं था और आपको लगता है कि मोदी की साजिश है या खालिस्तानियों की साजिश है, तो खालिस्तानियों की बात तो सब कोई लगातार बोल रहे हैं, आपके आंदोलन में टुकड़े गैंग खालिस्तानी घुसे हैं, आपने स्वीकार नहीं किया। अब आपको 26 जनवरी पर ही रैली निकालनी थी, परेड कराना था ट्रैक्टरों का, तो आपको बता दें कि भीड़ को नियंत्रण करने की क्षमता आप में नहीं है, और जो ये लोग कुछ कांग्रेसी आरएसएस पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उन सबको बता दीजिए, मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में भी लिखें आप कि संघ का परेड कभी आपने देखा है, कभी भी भीड़ की तरह वो काम नहीं करते, जैसे एक सैनिक चलता है पथ संचलन वैसे चलते हैं। आपने क्या इंतजाम किया, किसानों को छुट्टा ढील दिया दिल्ली में ट्रैक्टरों से लोगों को रौंदने के लिए, पुलिस वालों को मारने पीटने के लिए। ठीक है साहब, ऐसे नहीं होती है राजनीति। फिलहाल आप राजनीति कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, भावनात्मक रूप से खेल रहे हैं सबको पता है, लेकिन ब्रह्मांड के सबसे अच्छे किसान मत बन जाइए, जरा संभलिए, इस देश में बहुत सारे किसान हैं और आप सबके हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये सबको पता है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय मैं चाहता हूं, जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये चीजें दूर दूर तक जानी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, जुड़े रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।